नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई बुधवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। परिवहन विभाग का राजस्व संग्रहण पर पूरा फोकस है। अब विभाग ने 12 जिलों के प्रमुख टोल प्लाजाओं पर उड़न दस्ताओं का राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई है। यह उड़न दस्ते ओवरलोड सहित कई तरह के वाहनों की जांच करेंगे। यह उड़न दस्ते जयपुर में बस्सी शिवदासपुरा बगरू टोल प्लाजा पर विशेष नजर रखेंगे। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी और राइट हैंड अमर दुबे को यूपी के हमीरपुर से यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। अमर दुबे कानपुर में पुलिस पर हुई फायरिंग में शामिल था। यह विकास दुबे की छत पर मौजूद था। अमर दुबे ने भी पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर एसटीएफ ने इसे एनकाउंटर में मार गिराया। बांसवाड़ा जिले के भागी दौरा क्षेत्र के बिजली का तार गिरने से एक किसान और दो बैल की मौत हो गई। बिजली का तार गिरने पर ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रशासन की टीम ने देर शाम इसके जांच के आदेश दिए हैं। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में महिला को अश्लील मैसेज भेजने वाले अनिल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके खिलाफ रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार परिवादी की ओर से अधिवक्ता परवीन दयाल दवे ने पैरवी की थी, जिस पर जिला न्यायाधीश संख्या 7 जोधपुर महानगर ने अनिल कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। चूरू जिले के तारानगर में पीहर आई विवाहिता को पड़ोसी युवक भगा ले गया। जानकारी के अनुसार युवती की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि पड़ोसी युवक शुरू से ही युवती पर जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था। आरोपी युवक अपहरण के साथ 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर जिले में कलयुगी पौत्र द्वारा शराब के नशे में दादा दादी और चाचा की टांगे तोड़ने की जानकारी मिली है। नाल थाना अधिकारी विक्रम चारण ने बताया कि आरोपी ने शराब के नशे में दादा दादी और चाचा को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस ने आरोपी को राउंडअप कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में देर रात गर्जनी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्री की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पिता पुत्री देईखेड़ा थाना क्षेत्र के जाटला गांव के निवासी थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के लूनी थाना में परिचित बनकर फोन पर बातों में उलझाकर खाते से रुपए निकाल लेने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि सजाड़ा निवासी सुभाष भारती ने रिपोर्ट दी है कि फोन पर उसका परिचित बनकर उसके खाते की जानकारी लेकर 1 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि इस दौर में घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क और सजग रहकर इसका मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि आमजन की सजगता से ही कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है। सीकर रोड स्थित बिजली कर्मचारियों की वीकेआईई कॉलोनी में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से करीब 8 से 10 घरों में विद्युत उपकरण जल गए। घटना के चलते पूरे इलाके में लोगों में खलबली मच गई। हाई वोल्टेज के बाद से पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज आज से शुरू किया जाएगा। विभाग द्वारा यह अभियान 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। दूध, मावा, पनीर और दूध से निर्मित अन्य मिठाइयों की इस अभियान के तहत जांच की जाएगी। इसके लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। हर कार्रवाई की सूचना FSO को FSSAI के मोबाइल ऐप में दर्ज करनी होगी, ताकि मुख्यालय से लेकर केंद्र तक तत्काल कार्रवाई का फीडबैक पहुंच सके। मोबाइल ऐप में सूचना नहीं भेजने वाले FSO पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। जयपुर डेयरी में सिंथेटिक दूध पकड़े जाने के बाद तबादले किए गए हैं। जानकारी के अनुसार BMC अनुभाग प्रभारी राजीव जैन को दूधू प्रोजेक्ट में लगाया गया है। सिंथेटिक दूध प्रकरण में राजीव जैन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। हालांकि राजीव जैन का मुख्यालय जयपुर ही रहेगा। प्रबंधन द्वारा राजीव जैन पर कोई अनुशासनात्मक जांच कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूधू प्रोजेक्ट इंचार्ज अविनाश जैन को दोसा अवशीतन केंद्र प्रभारी लगाया गया है।
जबकि संतोष कुमार गौड़ को जयपुर डेयरी लैब में बीएमसी अनुभाग प्रभारी लगाया गया है। डेयरी प्रबंध संचालक ए के गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.